हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ बिहारी प्याजू कैसे बनाते हैं, मीन्स पकौड़ा कैसे बनाते हैं। तो इसमें आपको ज्यादा चीजों की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने दो प्याज लिए हुए हैं और थोड़ी सी मिर्ची ली हुई है दो चार, और अदरक लिया हुआ है मैंने, और थोड़ी सी अजवाइन ली हुई है। जैसा कि आप देख रहे हैं, अजवाइन, थोड़ी सी अजवाइन ली हुई है, और ये है दही। दही ये मैंने घर में जमाया है, आप मार्केट से भी खरीद सकते हैं। और ये है बेसन, ये बेसन देख रहे हैं आप। तो आइए हम लोग बिहारी प्याजू कैसे बनाते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। तो पहले हम प्याज को कट कर लेते हैं, और इसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि हमें मिर्च कितनी लेनी है, अदरक कितना लेना है, और अजवाइन कितनी लेनी है, और दही किस हिसाब में लेना है हमको, और बेसन कितना लेना है। तो आइए आप वीडियो को अंत तक देखें। देखिए, मैंने दो प्याज काट लिया है पतला पतला। इसी तरीके से आप पतला पतला प्याज काट लें। और ये देख रहे हैं अदरक, अदरक मैंने 5 ग्राम लगभग लिया है, इसको मैंने चूर लिया है। तो आप भी ऐसे ही चूर लें और इस प्याज में डाल दें। अब मिर्ची लेनी है, तो मिर्ची आप अपने स्वाद के अनुसार ज्यादा कम डाल सकते हैं। मैं मिर्ची काट रही हूँ, मिर्ची डाल देनी है प्याज में। मैं यहाँ दो मिर्ची डाल रही हूँ, अगर आपको ज्यादा डालना है तो आप ज्यादा भी डाल सकते हैं। और अजवाइन, अजवाइन हमको लेना है 1 से 1.5 ग्राम लगभग, इतना सा अजवाइन प्याज में डाल देना है। उसके बाद दही, दही हमें, आप ज्यादा खट्टा खाना चाहते हैं तो ज्यादा डालें, कम खाना चाहते हैं तो कम डालें। मैं यहाँ 2 चम्मच डाल रही हूँ। अगर आपके दही में पानी हो तो आप डाल सकते हैं, मेरे दही में थोड़ा पानी है तो मैं डाल देती हूँ, जो मिक्स करने में मुझे अच्छा लगे। उसके बाद बेसन, बेसन मैं ले रही हूँ 1, 2, 3 चम्मच लगभग मैंने यहाँ पे बेसन लिया है। आपको ज्यादा बनाना हो, प्याज ज्यादा डाल रहे हैं तो आप बेसन भी ज्यादा डाल सकते हैं। अब मुझे लेना है नमक, तो आप नमक अपने स्वाद अनुसार डाल सकते हैं। स्वाद अनुसार इतना सा डाला है, आप अपने स्वाद के अनुसार नमक डालें। और अब इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। आप इसे अच्छी तरीके से 2 मिनट तक मिक्स करें, क्योंकि नमक, अदरक, मिर्ची सब कुछ इसमें अच्छे से मिक्स हो जाए। तो 2 मिनट तक इसे अच्छे से मिक्स करते रहें। ज्यादा इसको ढीला नहीं करना है, ज्यादा पानी नहीं डालना है इसमें, हल्का टाइट रखना है जैसा कि आप देख रहे हैं। तो ये हो गया हमारा। अब इसे हमें तेल में तलना है, तो आइए मैं इसे तेल में तल के दिखाती हूँ आपको। तो देखिए, मैं पकोड़े को तल रही हूँ, और आप, मैं सरसों तेल में पकोड़े को तल रही हूँ, आप अपने अनुसार तेल में तल सकते हैं। मैं सरसों तेल में इसलिए तल रही हूँ क्योंकि सरसों तेल में इस प्याजी पकोड़े का स्वाद अच्छा आता है। तो आइए देखते हैं। आप इसे धीमी आंच में दें, जो ये अच्छे से पक सके। आपको ज्यादा बड़ा नहीं देना है, छोटा छोटा ही देना है, जो कि अच्छे से लाल हो सके, अंदर तक पक सके। अब हम इसे पकने देते हैं अच्छे से। आप तेल को गर्म होने के बाद पकोड़े को धीमी आंच में पकाएं, क्योंकि अगर तेज आंच रहेगा तो पकोड़ा जल जाएगा, और जलने के बाद पकोड़े का स्वाद बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। अब इसे हम धीरे धीरे पलटाते हैं, देखिए ऐसे इसे पलटा लेना है सबको। इसे अच्छे से पकने देना है। आप देख रहे हैं, ये पकोड़ा अब धीरे धीरे तैयार हो रहा है। देखिए, पकोड़ा अब हो चुका है बिहारी प्याजू। तो अब हम इसे निकाल लेते हैं। लगभग आप भी 4-5 मिनट तक इसे पकाएं, मैंने भी 4-5 मिनट तक इसे पकाया। अब हम इसे निकाल लेते हैं। ये अब अच्छी तरीके से पक गया है, आप देख सकते हैं।
ये बहुत अच्छे से पक गया है, अंदर भी आप देख सकते हैं। अब आप इसे चाय के साथ, मुरमुरा के साथ, या आपका मन करे ऐसे ही खाने का तो खा सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।